साथियों, यहाँ पर मैं आपके सामने एक नई होम रेमडी के साथ हाजिर हूँ। इस रेमडी में हम बात करेंगे फेस वाश के मुतालिक। वैसे देखा जाए तो हमें मार्केट में डेरों के हिसाब से सोप और फेस वाश मिलते हैं, लेकिन क्या है कि वो आपकी स्किन पर सूट नहीं करते। या तो उसका आपकी स्किन पर ड्राइनेस ले आते हैं या ऑयली आपकी स्किन को ऑयली बना देते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है डेरों पिम्पल्स और रिंकल्स और डिफरेंट प्रॉब्लम्स का आपके फेस को सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए ऐसी होम रेमडी लेके आई हूँ जिसको आप डेली बेस पे यूज़ करेंगे। घर से जाने से पहले आप इस रेमडी को यूज़ करेंगे तो इस रेमडी से ये कि आपकी स्किन ग्लोइंग भी करेगी, वाइटनिंग भी देगी और एक अलहदा ही आपकी स्किन पर जो है निखार सा आएगा, यानी आपकी स्किन बिल्कुल ऐसे ग्लो करेगी जैसे ग्लो लाइक पर्ल। तो आपने इसके लिए क्या लेना है, मसूर की दाल लेनी है। तो मसूर की दाल का पाउडर ले लें और उस पाउडर को आप अपनी पास ये आपने ध्यान रखना है कि अपनी स्किन टाइप को देखना है कि आपकी स्किन किस टाइप की है। स्किन टाइप देख के फिर इसको इस्तेमाल करें। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑयली स्किन की। अगर तो आपकी ऑयली स्किन है या कोई ऐसा जिस जो ऑयली स्किन वाला है और वो इस रेमडी को यूज़ करना चाहता है, उसने ऐसा करना है कि मसूर की दाल को पानी के अंदर या विनीगर सिरके के अंदर जो है वो इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अपने चेहरे पर अप्लाई करें और कुछ सेकंड सिर्फ आपने अपनी फिंगर टिप्स के साथ अपने फेस को जो है हल्का सा उस पर मसाज करना है। उसके बाद साफ पानी से अपने चेहरे को धो दें। तो रूटीन में आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो एक तो ये आपके चेहरे की आयली जो स्किन की आयल प्रॉब्लम है इसको फिनिश करेगा। अगर आयल प्रॉब्लम खत्म होगी तो समझे पिंपल्स, रिंकल्स, ये सारी चीज़ों से आपकी जान छूट जाएगी। इसके बाद अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आपने क्या करना है कि आपने इसको कर्ड लेमन में मिक्स करना है, यानी या तो इसको इसमें लेमन डाल लें या थोड़ा सा दही मसूर के पाउडर में मिक्स करें डेली बेस पे और इसको अपने चेहरे पर अप्लाई करें। इसका भी वही तरीका है कि कुछ सेकंड आपने इसको जो है मसाज करना है अपने फिंगर टिप्स के साथ और उसके बाद अपने चेहरे को पानी से धो डालें। इससे ये होगा कि आपकी स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको ये दूर करेगी और आपकी स्किन को ग्लोइंग देगी और यूथफुल स्किन आपकी ये बना देगा ये फेस वाश जो है। तीसरी हम बात करेंगे ड्राई स्किन वालों की। तो ड्राई स्किन वाले क्या करें कि इसको कोशिश करें, ड्राई स्किन वाले इसको मिक्स करने के लिए कोशिश करें कि इसमें आप गुलाब का अर्क शामिल कर लें या थोड़ा सा गुलाब का अर्क के साथ थोड़ी सी जो है आप रोज़ वाटर इसमें शामिल करें और इसको यूज़ करें। अगर रोज़ वाटर भी नहीं है, इसके अलावा एलोवेरा जेल थोड़ी सी अगर वो शामिल कर सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो दूध तो घर में मौजूद है। आप ऐसा करें कि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप मसूर की दाल को थोड़ा सा दूध के अंदर मिक्स करें, इसका वो बना लें, मिक्सचर सा बनाएं और इसको अपने चेहरे पर डेली बेस पर अप्लाई करें। तो ये मसूर की दाल वाला फेस वाश जो है ये यानी ऑयली स्किन है, नॉर्मल स्किन है या ड्राई स्किन है, तीनों स्किन्स के लिए बड़ा यूजफुल होगा, बड़ा फ़ायदेमंद होगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, डेली बेस पे ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेमडी कैसी लगी और इसका इस्तेमाल जो है इसने आपको कितना फ़ायदा दिया। लेकिन साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली तमाम रेमडी जो है आपको आसानी से मिल सकें।